हेलो एवरीवन टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ये एक टेस्ट क्रिएट किया गया था आपके लिए एंड जो लोग टेस्ट नहीं भी दिए हैं और बहुत ज्यादा टेंस्ड है इतना प्रेशर है इतने सब्जेक्ट्स का चलिए थोड़ा और रेडीमेड प्रोडक्ट आपके लिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ दैट इज यू हियर दिस वीडियो यू सी हाउर आंसर्स आर रिटर्न सर आंसर्स नहीं ये तो क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ती थी किंजल अजमेरा जो 7 जुलाई 2021 को एक पेपर दी थी और हमने अभी तक सेव कर रखा है शी शी ऑल इंडिया फर्स्ट गॉट ओनली इन ऑडिट आउट ऑफ तो किस तरह उन्होंने लिखा था हमारे टेस्ट में भी तो उसको मैं दिखाऊंगा इनके मिस्टेक्स भी आपको दिखाऊंगा कि अगर कुछ है तो वो भी हम देखेंगे एंड दिस इज द वे हाउ आंसर्स आर रिटन सबसे पहले अगर मैं राइटिंग की बात करूं हैंड राइटिंग, हैं राइटिंग की बात करूं तो लुकिया हाउ द पॉइंट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड थोड़ा पेपर नीट लगे

तो इसमें आंसर अगर मैं आउटलाइन करना चाहूं आपके लिए कि व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑर्डिट प्लीज सी द स्क्रीन एस पीपीटी से मैंने करवाया था आपको समझाते वक्त कि ऑडिट हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड रीजनेबल एश्योरेंस इज आल्सो नॉट अ लो लेवल ऑफ एश्योरेंस इट इज ऑल्सो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस 70 टू 90% लेवल ऑफ एश्योरेंस है तो पूरा अश्योरेंस क्यों नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या क्या है इनहेरेंट इन ऑफ ऑडिट सर हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा होता है सर कैसे हम हंड्रेड परसेंट गारंटी दे दें अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं हमारे अकाउंट्स में और उसमें हंड्रेड परसेंट गारंटी संभव नहीं है एस्टिमेट में नॉट बी एग्जैक्टली वॉट वी आर एक्चुअली थिंकिंग टू बी फिर सर कई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं, हैं अकाउंट्स में स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन माइनिंग द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वेरी कॉम्प्लेक्स इस कारण से भी हम हंड्रेड परसेंट अश्योरेंस नहीं दे सकते ऑडिट में जो एविडेंस होता है दैट इज परसुएसिव मैंने आपको बताया था ये हमें एक रीजनेबल uh, दिलासा दिलाते हैं दे आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ओके ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग द टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट दिस इज अनादर पॉइंट एंड कई बार क्या होता है कि टाइम फैक्टर इतने कम टाइम में हमें ऑडिट जल्दी से रेडी करना होता है उस चक्कर में गलतियां हो जाती है सीनियर मैनेजमेंट इस तरह फ्रॉड को डिजाइन करते हैं कि गलतियां पकड़ी ही नहीं जाती तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखे थे एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बाय द मैनेजमेंट तो लॉट ऑफ पॉइंट्स वी सॉ ताकि एग्जाम में हम चार पॉइंट्स डेवलप कर सके तो मैं एक बार इस पेज को फुल स्क्रीन करता हूं और फिर मैं किंजल के आंसर्स भी दिखाऊंगा आपको स्टार्ट डूइंग इट

The following are inherent limitations of audit, due to which auditor is unable to provide absolute assurance. Wow, what a start! The nature of financial reporting, जैसे इन्होंने पूरा एक पहले heading दिया और फिर बताया accounting estimates, policies के selection को लेक, में भी कुछ judgement involved होती है, और वो judgement उतना accurate and appropriate नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे थे सिर्फ काला हेडिंग याद कर रहे थे द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट टाइप के जो बच्चे होते हैं वो जो टाइप करते हैं या लिखते हैं उनके आंसर में देखिए वहां शी हैज हाँ सबस्टैंशिएटेड हर आंसर द डिटर्मिनेशन बाय द मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड दिस इन्वॉल्व जजमेंट एंड दिस मे नॉट बी दैट इज वाई इट मे नॉट बी एक्यूरेट तो ये एक इंपॉर्टेंट नेचर हमें नजर आता है द सेकेंड पॉइंट ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग ओके ही डिव्यू एंड एवरी ट्रांजेक्शन तो जो आइटम्स वो टेस्ट नहीं करता है बाद में पता चलता है कि वही बहुत सारी गलतियां हो गई अंडरस्टूड सो ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, इसी का एक और वर्ड यहां आ रहा है द टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट वंडरफुल तो जो जो हमने पीपीटी में देखा था स्टूडेंट हैज एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल गुड पॉइंट जो दरकार है ओके इट्स एविडेंस इज परसुएसिव एंड नॉट नॉट ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है नॉट पर लिख दिया यहां लिखना था नॉट कंक्लूसिव तो रियल एग्जाम में यहां पे बहुत पीनल को, बहुत हैवी पड़ सकता है. फ्रॉड यू तो मैं एक बोर्ड रख रहा हूं ये मिस्टेक कई बार बच्चे करते हैं जो किंजल ने भी किया है so you have to be very cautious. तो ये वन मार्क्स में काट लूंगा इस आंसर में है, मुझे पता है इट्स एन एर स्टूडेंट न्यू बट इट इजुएसिव एंड नॉट ये नहीं चलेगा फ्रॉड नॉट बी डिटेक्ट इजीली बहुत वेल ऑडिट एविडेंस मेन्युलेटेड ऑडिट एविडेंस दे दिए जाते हैं टाइम कॉन्स्ट्रेंस द लिस्टेड एंटिटीज आर रिक्वायर टू फाइलिटेड इन विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो देखो मन नहीं कर रहा है काटने का पर काटना पड़ेगा लुखिया जो मैंने आपको ये इनहेरेंट लिमिटेशन यहां दिखाए थे ना सारे पॉइंट उसी को उसने कैसे सेंटेंस फ्रेम कर करके बहुत सुंदर तरीके से दिखा दिया सो दिस क्वेश्चन ऑफ मार्क्स आई विल गिव हर थ्री आउट ऑफ फोर अरे मेरा पहले का चेक किया वे पर आपके सामने फिर से रीडिजाइन करके चेक कर रहा हूं ताकि आपको भी राइटिंग पैटर्न समझ में आए कि ऑडिट में आप बोलते हैं सर समझ में सब आता है हम लोग लिख नहीं पाते हैं कुछ नहीं है जो समझे थे उसी को बच्चे ने लिखा है

ये जो बाकी पॉइंट्स है दे आर नॉट द मेन पॉइंट मेन पॉइंट ऊपर वाले तीन ही है बाकी एंसिलरी पॉइंट है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस दैट इज दट आर एसर्शन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन विच आर चेकड बाय एन ऑडिटर चेकड मैंने बोला आई डि नॉट से रिपोर्टेड बाय ऑडिटर द वर्ड इज checked by an auditor. चेक करिए नजर डालिए प्लीज ऑल ऑफ यू ओके, okay. so अगर आपको याद हो, ट्रांजेक्शन को लेकर भी होता है balances को भी होता है। ये मैं आपको दिखाता हूं जब हम लोग क्लास किए थे रिलेटेड कई चीजें हम लोग वहां पर सीखे थे हम लोगों ने क्या सीखा था एक बार चेक करते हैं यहां पर गिव मी टेन सेकेंड टाइम इट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन हमारे क्या क्या है ऑक्रंस कंप्लीटनेस एक कट ऑफ क्लासिफिकेशन और इसको पढ़ने के बाद हमने शॉर्टकट निकाला था कोका वॉट इज सी वन इज योर कंप्लीटनेस सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हो ओ ऑ ऑकर इसी uh, साल ऑकर हुआ हो कंप्लीटनेस हो गया ऑक्रंस हो गया क्लासिफिकेशन प्रॉपर अकाउंट रेवेन्यू कहीं कैपिटलाइज तो नहीं हो गया समथिंग लाइक दिस कट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड कट ऑफ वाला पॉइंट है एंड ए इज एक्यूरेसी चेक करके देखिए प्लीज स्टार्ट चेकिंग एवरी तो ये सारे पॉइंट्स जो आप यहां पर देख रहे हैं ना ऑल पॉइंट्स दिस इज कोका सी ओ डबल सी ए एस आर एसर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आइए चेक करते हैं ऑडिटर इन्हीं को चेक करेगा ये एसर्शन मैनेजमेंट ने बनाया है पर चेकिंग कौन कर रहा है ऑडिटर कर रहा है तो लुक लुखिया कहां है हम लोग uh,

पॉइंट लिख के आते पर उसको एक्सप्लेन भी करना होगा ऑल इंडिया फर्स्ट की तरह जैसा आप पेपर देख रहे हैं और देखो सुंदरता मे बी हैंडराइटिंग कोई वर्ल्ड की बेस्ट हैंडराइटिंग नहीं है बट बहुत लेजिबल सिंपल और ऐसी है कि बहुत क्लियरली uh, हम दूर से देख के चेक करने वाले को पता चल जाता है सारे पॉइंट्स है कैसे अंडरलाइनिंग करना है कैसे दो पॉइंट्स के बीच में जगह छोड़ना है करेक्ट पीरियड ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं आपको करेक्ट अकाउंट करेक्ट पीरियड अप्रोप्रिएट अमाउंट एक्यूरेसी तो प्लीज ये पी डी एफ में लिंक में अटैच कर दूंगा मार्क्ड पीडीएफ इस पर नजर डालिएगा हाउ दुड बी प्रिपेयर फोर मार्क क्वेश्चन सो आई हैेक्ट नजर डालिए आंसर्स पर तो ये इस टाइप के टेस्ट पेपर्स के लॉ के वीडियोज भी बहुत सारे अपलोडेड है जरूर देखना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू स्पेशली एक एवरेज स्टूडेंट को कि लिखना क्या चाहिए पेपर में देखिए ध्यान यस yes. तो देखिए एक चीज लेआउट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आप ऑडिट में ऐसे से शॉर्टकट्स और चार्ट बुक पढ़ लेते हैं ना को का सी मतलब कंप्लीटनेस ऐसे ठीक है खुश हो गए आप पर जब पॉइंट्स को एक्सपैंड करना भी सीखो अगर इंग्लिश खराब है वेदर ट्रांजेक्शन वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड वेदर द ट्रांजेक्शन एक्चुअली ऑकर्ड ऐसे ये भी बोलना सीखो सिर्फ कोका लिखोगे तो चेक करने वाला बोलेगा बोका मार्क्स नहीं मिलने वाला है तो मार्क्स इस टाइप के आंसर्स पर मिलता है तो जो लोग एक सिंपैथी क्रिएट करते हैं हम समझ जाते हैं हम लिख नहीं पाते अब तुम लिखने लायक भी बन रहे हो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ब्रीफली अच्छा ये ट्रांजेक्शन को लेकर असर्शन था अगर पेपर होता ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेज अगर बैलेंसेस के असर्शन भी पूछे जाते तो आंसर्स चेंज हो जाता क्वेश्चन थ्री एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉम्पोनेंस ऑफ ऑडिट रिस्क ओके तो इसमें आप क्या बोलते व्हाट आर दी कॉम्पोनेट्स ऑफ ऑडिट रिस्क आइए हम लोग देखते हैं यहां पर व्हाट आर दी कॉम्पोनेट्स ऑफ ऑडिट रिस्क स्टार्ट कमिंग कम कम टू दिस प्लीज ओके ऑडिट रिस्क क्या होता है तो आइए सबसे पहले इफ आई हेल्प यू टू रिकॉल ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस्टेटेड सर क्या बोल दिए इतना बड़ा बड़ा बात सुनो ध्यान से ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क देना चाहिए था मॉडिफाइड रिपोर्ट पर आपने दे दिया क्लियर रिपोर्ट ये ऑडिट रिस्क माना जाता है अंडरस्टोड सो ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट ऑडिटर एन रिस्ट ओपिनियन वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस्टेटेड एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्योंकि लोग उल्टा भी सोचते हैं वो भी बताता हूं इंस्टेड ऑफ गिविंग अ क्लियर रिपोर्ट ही गेव मॉडिफाइड रिपोर्ट इन स्टोर ऑफ गिविंग अ क्लियर रिपोर्ट ही गेव अ मोडिफाइड रिपोर्ट दिस इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क सर उल्टा बोलू आ, देना चाहिए था मॉडिफाइड हम दे दिए क्लियर रिपोर्ट यह ऑडिट रिस्क नहीं है तो इस पर एमसीक्यू अलग से आते हैं वो अलग चीज है तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहरिट इन टू कंट्रोल इन टू डिटेक्शन फॉर्मूला इन टू करके दिखाया जाता है ओके okay. नाउ इसके भी पूछे गए थे ये लाइंस राइट right थी आधा मार्क्स काटूंगा ये से नहीं किया गया एम वेरी तो होगा मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है, सर्दी खांसी हो जाता है फ्रिज का एक ग्लास पानी पीते ही सर उसके पापा को शुगर था उसको भी शुगर है सर जेनेटिक डिजीज है कोई कुछ कर नहीं सकता तो उसी तरह पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और बैलेंस टू अटेटमेंट यानी कि कुछ मिस स्टेटमेंट तो होगा नो वन कैन स्टॉप इट और हो सकता है इंडिविजुअली हो या सब करके, अगर देखा जाए तो वो एक लेवल को क्रॉस कर जाए तो व्हाट इज दर्ड इन इट इज misstatement हो सकती है मैंने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे examples दिए थे पढ़ाने के समय if you remember, I told you नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर आपके लोग पहले डायरेक्टर्स लोग कई बार चोरी वोरी किए हुए हैं तो आपका इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट नेचर ऑफ बिजनेस आर यू अंडरस्टैंडिंग आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है तो ऐसे सिचुएशन में इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाएगा सर बिजनेस में है है कंस्ट्रक्शन में माइनिंग में है चोरी के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सर ईयर एंड के आसपास बहुत लोन ट्रांजेक्शन हर बार करते हैं गफला है कुछ सर रिलेटिव पार्टी के संग बहुत ट्रांजेक्शन है गफला है कुछ तो ये इनहेरिट रिस्क को हाई बनाते हैं इस टाइप के फैक्टर्स वैसे यहां इतना समझाने की दरकार नहीं थी समझाने से भी काम चलता कंट्रोल रिस्क रिस्क दैट द अ कुड नॉट बी प्रिवेंटेड करेक्टेड तीनों वर्ड्स आंसर में शो ऑफ होना चाहिए इनका तो देखो पूरा बुक टू बुक लग रहा है पूरा अच्छे से याद किया हुआ है पर मैं बोल रहा हूं अगर आप पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं भी लिख सके ये भी लिख दें द रिस्क द मटीरियल मिस स्टेटमेंट इनका राइट है वैसे जो लिखी है ये could not be prevented, detected, corrected by the internal control system. understood. to agar aapka internal control acha nahi hai to control risk bahut high ho jayega तो she is beautifully written, but I know आम student के लिए ये सब पूरा comma, semicolon, possible नहीं है. आप ये लिखेंगे तो भी मिलेगा जो मैंने brackets किया है. यानी control risk क्या है? आपको बता चला? वैसे डिटेक्शन रिस्क क्या है जैसे आप बोलोगे कंट्रोल रिस्क का एग्जाम्पल सर फायर एक्सटिंग हमारे यहां फायर लगता है तो alarm बच जाता है, हमारे fire लगता है तो अलार्म जाता है हमारे यहां ये लाइन सुना है आपने फायर लगता है तो अलार्म बच जाता है बट फायर स्प्रिंकलर्स काम नहीं करते आपके यहां तो भैया प्रिवेंट डिटेक्ट कर लिया पर करेक्ट कर पाया एरर्स को ओ दिस इज कंट्रोल रिस्क डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर्स जो प्रोसीड्यूअर्स अप्लाई करते हैं वो प्रोसीड्यूअर्स सही नहीं है रिस्क ए दोसिड्यूर्स इज नॉट एबल टू डिटेक्ट मटीरियल में स्टेटमेंट ऑडिट प्रोसीड्यूअर्स डिफेक्टिव है सर हम कैश वेरिफिकेशन के लिए सरप्राइज चेक करते हैं भाई ऐसा सरप्राइज चेक क्या काम का साइमल्टेनियसली अप्लाई करना चाहिए था सरप्राइज चेक्स ऑफ कैश प्रोसिडर्स आर नॉट एबल टू डिटेक्ट मटीरियल मिसमेंट ओके मटीरियल लिख देने से बेटर होता है ओवरऑल राइट right है आंसर इनका जो भी है सो इफ आई सी दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स एक्सप्लेन दस ऑफ ऑडिट रिस्क रिमेम्बर इन दिस क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट फिर भी चलो एक एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दिया तो मैं आधा मार्क्स काट लेता हूँ एंड आई वुड गिवर थ्री एंड हाफ और थ्री आउट ऑफ फोर थ्री दे देता हूँ चलो क्योंकि थोड़ा वो वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑडिट रिस्क को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए था मुझे चेक कर लीजिए प्लीज चेक इट प्लीज गेट एवरी वन कॉम्पोन की बातें मिल गई डिटेक्शन रिस्क भी हो गया मटीरियल तो देखो एक चीज यही पर assertions पढ़ रहे थे हम लोग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑडिट रिस्क देखो मैंने भी आपको ऐसे कुछ पढ़ाया था लुकिया ऑडिट रिस्क में कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क और आर रॉम के अंदर इनहेरिट एंड कंट्रोल रिस्क आता है

अपने लोग बोलते हैं ना ऑडिटर मस्ट ऑपटेट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस पढ़ते वक्त तो कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है तो मैं आपको आज ये चार क्वेश्चन के सीरीज दिखा रहा हूं ऐसे में धीरे धीरे और आपके सामने हर दिन शाम को इसको लाऊंगा छोटे छोटे डिस्कशन तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एस ए फाइव हंड्रेड वेट आई शो यू कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करता है तो पेज नंबर ट्वेंटी एट इन दीज टाइप ऑफ न्यू बुक्स चलिए देखिए सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सबसे पहले रॉमम लेवल ओके okay, मटीरियालिटी लेवल साइज ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड समटाइम्स टू तो अगर मैं बोलू रॉमम लेवल एग्जाम में रोमम नहीं लिख सकते पूरा लिखना होता है अगर हाई है तो आपको बहुत क्वानिटी में एविडेंस हासिल करना होगा लैंग्वेज दिख रहा है ऑडिबल ओके मटीरियलिटी लेवल हाई है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस हासिल करना है बड़ा पॉपुलेशन है तो सैंपल साइज बड़ा ये मोर एविडेंस हासिल करिए सब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस बहुत टाइप के आइटम्स उसके अंदर है तो ज्यादा एविडेंस हासिल करना है इन इन इनफैक्ट कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी अच्छे क्वालिटी ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं मतलब समटाइम क्वांटिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस यू हैव ऑलरेडी ऑप्टेंड यानी कि अगर आपको ऑलरेडी अच्छे अच्छे टाइप के क्वालिटी ऑडिट एविडेंस मिल गए तो तब क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए और किस लेवल ऑफ लेवलेंस से आप अचीव करना चाहते हैं सर मेरे को डिग्री ऑफ एश्योरेंस वेरी हाई चाहिए तो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ज्यादा ऑप्टेन करिएगा नेक्स्ट कम्स अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी नाउ क्वालिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स सर अच्छा रिविजन भी हो रहा है इस पेपर सॉल्विंग के द्वारा ये रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस रिलायबिलिटी डिपेंड करता है द सोर्स ऑफ एविडेंस यू गेट डिरेक्टली और इनडिरेक्टली बैठिए आफ्टर दैट यू ऑल्सो सी द टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है बैठ जाइए एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है मोर देन इंटरनल एविडेंस ओके चलिए अच्छा प्रैक्टिस हो गया वापस घर के बुद्धू लौट के घर को आए सो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल है द रिटन एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री विजुअल्स तो ये नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस डिटर्मिन करेंगे कि आपके क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को सोर्स एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल नेचर सबसे पहले आंख से देखा हुआ विजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवन मोर देन डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल तो वन टू ऑल दीज पॉइंट अवेलेबल तो ये हम लोग बात कर रहे थे रिलायबिलिटी द सोर्स द नेचर एंड द सर्कम अंडर विच यू आर ऑडिट एविडेंस तो अप्रोप्रिएट किया मतलब है क्वालिटी एंड क्वालिटी डिपेंड्स ऑन रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस क्या चीज के लिए आप एविडेंस पा रहे हो कोई एविडेंस आपने बहुत पहले पाया था वो अब आज के दिन वो obsolete हो गया या किस पर्पस के लिए आप टेस्ट करना चाहते हो अगर आप बोलोगे मैं डेटर्स की चेकिंग कर रहा हूं वहां एक्सटर्नल कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है देन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फ्रॉम क्रेडिटर्स एंगल बैठिए 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 कम हिलकम कम बैठिए तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा ठीक है मॉरल ऑफ द स्टोरी सफिशियंट अप्रोप्रिएट तो इस टाइप के पीरियोडिक रिविजन के अंदर आ रहे हैं एंड व्हेन आई से वर्ड रिलायबिलिटी आई टोल्ड यू अबाउट द सोर्स एंड नेचर एंड रेलिवेंस पर्पज ऑफ टेस्टिंग पर डिपेंड करता है एंड एक लास्ट लाइन आंसर में जरूर आना चाहिएस्ड डिपेंडिंग अपॉन वॉट ओवरऑल नॉलेज विच ही हैज गेन्ड ओके चेक करके देखिए तो अब एक बार किंजल के पेपर को देख लेते हैं दाउ हाँ किंजल रोट दिस पर्टिकुलर आंसर इन हर ऑडिट पेपर वेरी गुड सफिशियंसी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस द सफिशियंसी डिपेंड्स ऑन द रॉम लेवल द लेवल ऑफ मटीरियालिटी द साइज द डिग्री ऑफ अश्योरेंस वेरी गुड द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वो होमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस फैक्टर भी स्टूडेंट बताया है एंड अप्रोप्रिएटनेस मीन्स द क्वालिटी एंड क्वालिटी रेलिवेंस पर डिपेंड करता है रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है एंड रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स नेचर मैं यहां मार्क्स थोड़ा सा किंजल का काटूंगा दो कारण है आंसर uh, में थोड़ा ये वाला लाइंस मुझे चाहिए था एंड इवन एग्जामिनर को चाहिएगा दैट इंटरनल एक्सटर्नल वो दिखाई जरूर है बट विच इज मोर रिलायबल एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल देन इंटरनल ऐसा लिखना चाहिए था ओके दैन इंटरनल फिर जैसे लिखिए पर्पस ऑफ टेस्टिंग तो यहां वो एग्जाम्पल देना चाहिए था एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज फ्रॉम डेटर्स इज मोर रिलायबल

So, ये आंसर्स में देखो अच्छे स्टूडेंट्स का भी मिस हो जाता है आप सब अच्छे हैं बट आई टर्म्स ऑफ वेरी जो परफेक्ट आंसर्स लिखते हैं उस टर्म्स में बोल रहा हूं विजुअल ज्यादा रिलायबल है ओके okay? एंड अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तब कभी कभी इंटरनल सोर्सेज भी रिलायबल हो जाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को जरूर देखना चाहिए तो इन दिस पर्टिकुलर आंसर आई फेल दैट द स्टूडेंट अगर फोर मार्क का क्वेश्चन है मैं उनको यहां पर थ्री uh, दूंगा मैं थोड़े से मार्क्स इसलिए काटा हूं बिकॉज यहां वो आंसर में थोड़ा सा लैक कर रहा है टू एंड हाफ दूंगा बिकॉज देकर समझ में उतना नहीं आ रहा था ये पॉइंट एक चीज और शुरुआत करना चाहिए था आपको आंसर में ऑडिटर शुड ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो जो क्लाइन होती है ना कि हमें हमेशा जो एविडेंस हासिल करना चाहिए वो सफिशियंट भी हो अप्रोप्रियट भी हो ओके okay? एंड देन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस को सो दिस इज ऑल फॉर टूडे हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करके दोनों क्लिपिंग्स जोड़ करके वीडियो को मैं अपलोड करूंगा से ये क्लिपिंग में आज भेज रहा हूं आप ये चारों आंसर रिवाइज करके रखिए अच्छे से देख लीजिए तो ये चार क्वेश्चन चलो रिवाइज हुआ वो टॉपिक्स इनडली बहुत दिन हो गए थे रिवाइज हुए और जो आप लोग को डर था क्वेश्चन कैसा आएगा और आंसर कैसे आएगा वो भी आप देख पा रहे हैं तो आप अपने खुद के बुक को भी सामने खोला रखिएगा एंड किंजल के पीडीएफ को जो मैं भेजा हूं जो उसके मिस्टेक्स थे उसको भी देखते हुए वी वी वर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर आंसर थैंक यू सो मच यस आर बैक चलिए ब्रेक के बाद हम लोग अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो हम लोग टेस्ट पेपर वन जहां हम लोग रिविजन भी कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे को एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो नंबर ऑफ थिंग्स नाउ लुक एट द स्क्रीन एन ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड दी एंड इट्स एनवायरमेंट कमेंट किसी को याद आ रहा है क्या चीज को लेकर कि हमें जब हम प्लानिंग स्टेज में एट द प्लानिंग स्टेज ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑडिटर ट्राइज टू अंडरस्टैंड किस टाइप का बिजनेस आप करते हैं द लोकेशंस वेयर योर प्लांट इज लोकेटेड क्योंकि सपोज आपके प्लांट अगर रिमोट यूक्रेन रशिया ये सब जगह लोकेटेड है तो वॉर के बाद क्या सिनेरियो हुआ होगा आप समझ पा रहे हैं ना तो आप एंटिटी को समझते हैं क्या टाइप के इंडस्ट्री को बिलोंग करता है अभी बूम है है उस टाइप के इंडस्ट्री में क्या जीपी रेशियोज होते हैं लोकेशंस क्या हैं कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आपको क्या एप्लीकेबल है क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अडोप्ट करते हैं यह सब यहां समझा जाता है इससे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट का एरियाज पता चलते हैं तो आइए आंसर एक बार पढ़ के देखते हैं व्हाट शी अ स्टूडेंट द प्लानिंग स्टेज ये काम होता है पहले आपको ये आंसर में शो ऑफ करना चाहिए था कि व्हेन आई इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो तो चेक करो आपके आंसर में प्लानिंग स्टेज वर्ड आया है क्या दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग

दिस इज द एनालिटिकल रिव्यू एट द प्लानिंग स्टेज विच शोज दैट दीज आर तो यहां पर जब हम बोलते हैं स्टडी इंटरनल कंट्रोल दैट इज नोन एज वॉक थ्रू टेस्ट यहां पे टेस्ट नहीं होता इंटरनल कंट्रोल का आप यूज करोगे दर्ड स्टडी या वॉक थ्रू टेस्ट तो देखो हाउ मेनी ऑफ यू हैव टॉक्ट अबाउट प्लानिंग स्टेज देखो आपके आंसर में ये पॉइंट हो सकते हैं आई नहीं रहे हैं प्लानिंग स्टेज आना चाहिए था फिर वो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट वर्ड जब मैं बोलूं तो इंटरनल कंट्रोल का स्टडी और वॉक थ्रू भी है इंप्लीमेंट कि को, को किया है ये चेक करना है इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो यहां चेक नहीं होता तो है सुनते, सुनते, करते, करते, आपके बेसिक्स सॉलिड होते हैं ये टेस्ट पेपर पीडीएफ uh, सेक्शन में मतलब तो इसी यूट्यूब uh, के डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल ड्राइव में मैं अटैच भी फिर से कर दिया हूं ताकि आपको कंपेयर करके समझने में फायदा मिले तो यह सब करने से एक ओवरऑल ऑडिट 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 स्ट्रेटजी प्लान एंड प्रोग्राम भी डेवलप करने में हेल्प मिलता है वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट रिटन दिस ये जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी एंड एनवायरनमेंट आप अभी तक पढ़ रहे थे बस ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज ये करते हैं रोमम लेवल पता चलता है और इनफैक्ट very good line audit strategy and audit plan develop karne ke liye bhi we must understand the entity understood very very good Chale, bahut hua hai now we come to this one question number 6 the next line of attack jo abhi hum log dekh rahe hai, that is question number 6 an auditor should evaluate control activities an auditor should evaluate

ये जब हमने ऐसे थ्री वन फाइव के टॉपिक्स को पढ़े थे या इंटरनल कंट्रोल को अंदर से पढ़ा था तब देखा था आइए आंसर देखते हैं इट्स वॉज वेरी टिपिकल वन एन ऑडिटर शुड इवेलूए कंट्रोल एक्टिविटीज फॉर द सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेज ये सब दिख रहा कंट्रोल एक्टिविटीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स डिजाइन टू इंश्योर दैट दैनजमेंट डायरेक्टिव आर कैर आउट एग्जाम्पल ऑथोराइजेशन कौन ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज कर रहा है क्या ड्यूटीज सेग्रीगेटेड थे एक ही आदमी के पास सारा कंट्रोल तो नहीं था फिजिकल वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये कंट्रोल एक्टिविटीज के पार्ट है द कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई कंट्रोल एक्टिविटीज की हम बात करें देन दे हैव गिवन जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं क्या वो लाइसेंस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं क्या हम अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लेते हैं पासवर्ड सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है कोई भी उसको अनऑथोराइज एक्सेस ना कर ले इस टाइप से आपने आंसर्स को फ्रेम किया तो लुक एट द वर्ड्स व्हेन आई एक्टिविटीज तो ये आपको एक बार देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए था और इसको करने के लिए आई वुडवाइज एक बार ऐसे वाले बुक में देखो जो हम लोग ये सब पॉइंट्स कर रहे थे ना आई जस्ट शो इट टू यू जस्ट अ सेकेंड मैं एक सेकेंड वेट कर रहा हूं जस्ट अ सेकेंड हम इंटरनल कंट्रोल के अंदर कई कंपोनेंट्स हैं जिसमें से ये पांच है माइक्रा बोलते थे इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एनवायरनमेंट सेसमेंट एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल तो इससे मैं इनडिरेक्टली व्हाट आई एम हेल्पिंग यू टू नो रिकॉल दैट कॉम्पोनेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में वी हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम वी हैव कंट्रोल एनवायरमेंट वी हैव रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट we have control activities तो ये question में हमें किस component of internal control के बारे में पूछा है control activities के बारे में लुक हियर पे कैसे समझाया है इन्होंने वो देखते हैं हैं कंट्रोल एक्टिविटीज होते जो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ़ एंड एंड अकाउंट से रिलेटेड वो समझने पड़ते हैं तो यहां पर इन्होंने लिखा है देखो दैट इन अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल एक्टिविटीज दे शुडो अपटेनस्टैंडिंग हाउ द एंटिटी है टेक्नोलॉजी कंट्रोल एक्टिविटीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स दैट हेल्प मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट की बातों को हमने इंप्लीमेंट किया है या नहीं है कंट्रोल एक्टिविटीज वेदर विद इन आई टी और मैनुअल सिस्टम ऑब्जेक्टिव ऑथोराइजेशन फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्मेंस रिव्यू जेनरल आई टी कंट्रोल यह भी आपका कंट्रोल एक्टिविटीज का पार्ट है आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरी वन सो दीज पॉइंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इसी तरह यहां पर एक अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाइल्ड फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी लैंग्वेज ध्यान से देखो अब हम लोग एक बार ऐसे 300 में जा रहे हैं दिस इज वाइल फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर मस्ट कंसिडर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट क्या है सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया आएगा तो बेसिकली आपको मैं एक बार इस टॉपिक के लिए आई विल हेल्प यू टू रिकॉल ऑडिट प्लानिंग का जो ऐसे है हम लोग एक बार वो मिलकर रिकॉल करते हैं तो लेट्स गो टू एसए 300 हंड्रेड ऑडिट प्लानिंग हम लोग इंडेक्स में चले जाएं एक बार ऑल ऑफ यू कम इन योर रिस्पेक्टिव बुक्स किस तरह ऑडिट के क्वेश्चंस जब आते हैं हाउ यू हैव टू किसी किसी के बुक में जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बात कर रहे थे तो आई टोल्ड यू दैट ऑडिट स्ट्रैटजी टॉक्स अबाउट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट इट इज द बैक बोन ऑफ ऑडिट प्लान प्लानिंग ऑडिट प्लान इंक्लूड रिस्क असैसमेंट प्रोसीड्यूर्स फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ऑडिट प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड रिटन इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट ऑडिट प्लान हर एसर्शन में क्या रोमम लेवल्स है कौन चेक करेगा कौन रिव्यू करेगा रिव्यू पॉइंट्स क्या थे तो ये सब मैं जल्दी-जल्दी आपको बोलकर ये दिखला रहा हूं और आपको भी याद आ रहा होगा प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड वंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम माय क्लासरूम तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमको ये फायदा होता है ये सब एडवांटेज होता है who are involved in planning, engagement partner, जो मेन पार्टनर है साइनिंग के लिए, तो क्वेश्चन क्या था? कि फैक्टर्स ओवरऑल ऑडिट हमें ध्यान में रखना चाहिए हमने बोला था हमें आ, सबसे पहले यह सोचना चाहिए ऑडिट स्ट्रैटी बनाने के समय कि हमारे पास क्या लोग हैं जो इस बड़ी कंपनी का प्लान ऑडिट कर पाएंगे नेचर कब करना है कितनी बार जाना है कितने डिटेल में करना है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट ओ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी इन माइंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स विच डिरेक्ट एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स नेक्स्ट ंगेजमेंट जो इसी क्लाइंट का कभी किया है ध्यान रखना चाहिए रोजेज इज ऑफ द फर्स्ट वन इज रिसोज का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेसरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव रोजेज का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग सिग्निफिकट फैक्टर्स इन डिरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो स्ट्रैटेजी बनाने के समय ध्यान होगा पहले एंगेजमेंट एक्टिविटीज या शुरुआत में कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बोलकर होता है उसके रिजल्ट के अनुसार हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंटायर एंगेजमेंट तो मेरा यहां क्वेश्चन क्या था देखो मैंने आपको जब बोला था एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हम बेसिकली मैनेजमेंट कितना इंटीग्रिटी है टीसी की इंटीग्रिटी हमारी टीम क्या कॉम्पिटेंट है क्या फर्म का एथिकल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहा है क्या पिछले सालों में भी कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नोटिस किया गया है क्या ये सब चीजें होती हैं प्रेलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट के अनुसार हम फिर सोचते हैं तो यहां पे क्वेश्चन क्या था इन माई दिस क्वेश्चन लिखा हुआ था सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट तो देखो बच्चे ने क्या लिखा है स्टूडेंट ने सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जिससे आपका टीम का एफर्ट डिटरमिन होता है द नेचर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी इनका बोर्ड का स्ट्रक्चर लेवल ऑफ मटेरियलिटी रोमम लेवल कैसा है उस हिसाब से इनका स्ट्रेटजी बनेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में तो यहां क्वेश्चन हो रहा था कौन से वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स होते हैं जिससे स्ट्रेटजी के दौरान पूरे टीम के एफर्ट में चेंज आती है तो रॉमम लेवल ऑफकोर्स मटीरियालिटी लेवल नेचर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी जैसे कंस्ट्रक्शन माइनिंग ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है चेंजेस अगर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में या लीगल रिक्वायरमेंट में आया है तो वो सब सिग्निफिकेंट फैक्टर्स होते हैं जो पूरे टीम के एफर्ट्स को चेंज कर सकते हैं सर ये बुक में कहा लिखा था सर आई डेंट अंडरस्टैंड द्वेश्चन मैं तो नॉर्मल ऑडिट स्ट्रैटेजी का आंसर लिख के आ गया यहां पर आपको ये वाले अंश बताने चाहिए थे तो अच्छा है ये रिविजन करने से हमारा ये भी बेटर हो रहा है तो वाइल्ड फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर मस्ट कंसिडर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देखो मैंने जब अपने बुक से पढ़ाया था मैंने भी यही सब आपको बताया था सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो वो कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स विच डिटर्मिन एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स वो दीज आर दो अंडरस्टूड यस उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं एक और एक क्वेश्चन बना के दूं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी समझ गए आप इंटीग्रिटी एथिकल इंडिपेंडेंस ये सब की बातें हो रही थी नाउ यहां पर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट कि जिस डिफाइंस स्कोप कि आपका स्ट्रेटजी क्या होगा वो आपको किस टाइप का काम मिला है आपका स्कोप क्या है जैसे कि यहां पे मैंने बताया था आपको कि आपको स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करना है या कंसोलिडेटेड का करना है या आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस टू बी ऑडिटेड क्या है या आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है उसमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए क्या क्या आपके यहाँ इंटरनल ऑडिटर का काम यूज होता है क्या आपके यहाँ फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण आपके ऑडिट प्रोसीड्यूर्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या आपके यहाँ ब्रांचेस कितना है कितने दूसरे ऑडिटर्स इन्वॉल्व हैं

क्या आपको सिर्फ इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है या सब पर आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है क्या कोई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण आपके ऑडिट प्रोसीड्यूर्स में चेंजेस आ रहे हैं ऑल दीज हैव टू बी डन उसी तरह जैसे यहां पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जब आता है तो टाइप ऑफ रिपोर्ट द टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग मीटिंग्स विथ मैनेजमेंट एन टी तो इसी तरह बहुत कुछ और जैसे नेचर टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज की जब मैं बात करूं कितने टीम देखनी पड़ती है तो आई बहुत प्रैक्टिस से ऑडिट के क्वेश्चन डेवलप करने चाहिए ठीक है ना एन ऑडिट मस्ट ऑबटेन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस अभी देखेंगे हाउ टू डेवलप एन ऑडिट प्रोग्राम हाउ टू डेवलप पूछा एंड मेन्शन टू डिसएडवांटेजेस

तो ये सेम मार्क्ड पीडीएफ आपके आंसर में भी मैं डालूंगा स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरी वन हाउ दिटन हाउ दे आर प्रैक्टिस बिकॉज ऑडिट को अगर आप क्वेश्चन आंसर के तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना तो आप रीडिंग करेंगे याद होगा भूलेंगे बट क्वेश्चन क्या आता है और आंसर क्या लिखना है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच इन ऑडिट पेपर्स प्लीज डू रिमेंबर दिस तो ये आंसर को मैच कर लेना दिस वॉज अ सिंपल वन उसके बाद इंडस्ट्रीज से भी कंपेयर करते हैं फूड ग्रेन में पांच परसेंट जीपी मार्जिन सफिशियंट है बट इट इज नॉट फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी ये सब एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी दिया था पढ़ाते समय पक्का एवरी चलिए वेरी गुड बैच नाउ डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम हाउ विल यू डेवलप एन ऑडिट प्रोग्राम जब ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करें तो बोला जाता है रिटर्न प्रोग्राम बनाते हैं ताकि इंप्लीमेंट हो जाए ऑडिट प्लान

आपको उसके अनुसार चेंजेस भी आप ला सकें ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड इंसर्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑडिट ऑब्जेक्टिव एरिया शुड बी डिजाइन यानी प्लान को रिटर्न इंपॉर्टेंट फैक्टर आई से दैट वी आर डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम इट शुड बी डिटेल टू इंप्लीमेंट ऑडिट प्लान इसके लिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया शुड बी डिजाइन वी मस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम द रॉम लेवल टाइमिंग कौन कब जाके क्या चीजें चेकिंग करेगा एंड द फ्लेक्सीबिलिटी पार्ट शुड बी इंसर्टेड ये चीज याद रखिएगा एंड और एक चीज जब भी आप कोई ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रिमेंबर द स्कोप एंड लिमिटेशन शुड बी देयर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड कोआर्डिनेट द प्रोसिड्यूर्स टू बी अप्लाईड टू वेरियस आइटम्स तो मैंने दोनों आस्पेक्ट को क्लब कर दिया डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग को तो लुक इ आंसर पढ़ते हैं वेरी वेरी गुड स्टूडेंट है जैसा लिखा था उसी को अपने भाषा में छोटा करके लिखा है प्रोग्राम नीड्स टू तो बी रिवाइज तो फ्लेक्सीबिलिटी वाली पार्ट को भी इन्होंने बताया है यहाँ पर एंड द टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीड कौन सा टास्क कब किया जाए सो so, एक बार पढ़े हुए होने चाहिए ये सब आंसर अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे दिस इज फॉर श्योर बट वट आर द डिसडवांटेजेस बहुत ज्यादा मैकेनिकल एंड रिजिडिटी आ जाता है इट किल्स द इनिशिएटिव ऑफ असिस्टेंस एंड कई बार क्या होता है कि लोग ऑडिट प्रोग्राम के अंदर शेल्टर ले लेते हैं दैट अरे प्रोग्राम में ऐसा लिखा था इसलिए हमने ऐसा किया मतलब जब उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी आती है दे टेक द शेल्टर अंडर ऑडिट प्रोग्राम रिमेंबर दिस कहाँ लिखा हुआ है जैसे अगर मैं बुक में भी जाऊं डेवलपिंग प्रोग्राम में एडवांटेजेस बहुत सारा था ना क्लियर इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स कर सकते हैं कौन नेग्लिजेंट है फ्यूचर सालों में भी काम आता है मेकेनिकल रिजिड इनफ्लेक्सिबिलिटी टेकिंग द शेल्टर तो ये सारी बातें एडवांटेजेस एंड डिस वैसे तो आंसर में दिया हुआ है मेरे पी में भी अच्छे से दिया हुआ था दास्ट क्वेश्चन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर इन डिटर्मिन मटीरियालिटी लेवल तो इसके लिए मटिरटी लेवल कैसे डिसाइड होती है इसके लिए हमने एसे थ्री ट्वेंटी में पढ़ा था आई एल जस्ट शो इट टू यू अगेन आई सॉरी कहा गया ये पोर्शन एस ए थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी essay 320 page number just a second 230 hai 210 300 610 yes factors which are items may be individually material or in aggregate या लीगल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है अगर आप बैंकिंग कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं हैंज के बारे में आपको प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी है ऑडिटर को चेक करना होगा ये मटेरियल चीजें हैं कई बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये सब की अकाउंटिंग मटेरियल हो जाती है क्वालिटी भी देखना पड़ता है सम टाइम आइटम अभी सिग्निफिकेंट नहीं है बट लेटर ऑन इट मे बी वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फिर की डिस्कलोजर्स इन एन इंडस्ट्री फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी आर एनडी डिस्कलोजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन क्या है फैक्टर्सेंट किन फैक्टर्स के आधार पर लुक एट द स्क्रीन तो ये फैक्टर्स में इंडिविजुअली भी आइटम मटीरियल हो सकता है और इन एग्रीगेट नंबर वन नंबर टू लीगल कंसिडरेशन के अनुसार लाइक अगर बैंकिंग का आप ऑडिट कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर एनपीएस नहीं क्रिएट हुआ है नंबर क्वालिटेटिव आइटम्स लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट चीज जो चाहे क्वांटिटेटिव उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है बट क्वालिटेटिव आस्पेक्ट बहुत हाई है यह एक ऐसा आइटम जो अभी इनसिग्निफिकेंट है बट इन फ्यूचर इट में भी मटीरियल जैसे मैंने बताया था कि आपको लैंड गार्बेज डंपिंग के लिए यूज कर रहे हैं बट बाद में आपको उस लैंड को रिस्टोर करके देना है जो आपने लीज पर लिया ली है बीस साल के लिए तो अभी से रिस्टोरेशन कॉस्ट हर साल एक प्रोविजन क्रिएट करके अलग कर दे रहे हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइज की डिस्कलोजर इन एन इंडस्ट्री इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी आर एन डी कॉस्ट में भी मटीरियल फैक्टर तो ये सारी फैक्टर्स हम लोग देखे थे जो क्वेश्चन में पूछा गया एक और क्वेश्चन आता है जो यहां नहीं दिया गया बट मैं इस रिविजन में इंसर्ट कर रहा हूं अगर मैं क्वेश्चन एड कर दू फैक्टर्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर चूजिंग बेंच मार्क फॉर मटेरियालिटी तब आंसर अलग हो जाएगा कि क्या बेंच मार्क आप यूज करेंगे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एंटिटी अगर आप एफ एम सी जी है तो आप एबिट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन अगर आप हैं तो एबिडा यूज करते हैं आप अगर एन बी एफ सी हैं देन यू मे यूज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी में यूज सम नेटवर्थ एज योर दिस येंक सेकेंडली बेसिकली अगर आपको मैं बोलू कि पहले के बेंच मार्क्स कितने वॉलिटाइल हैं उसके अनुसार भी हम डिसाइड करते हैं

लेवल्स उसी तरह एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जिसको हम लोग बोल डिफाइन करने बोलते हैं कई बार दट इट्स मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज सेट टू रिड्यूस टू अ वेरी लो लेवल द प्रोबेबिलिटी को लो लेवल पर रखना है दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स स्टेटमेंट द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कि मुझे पता है कि कुछ चीजें अनडिटेक्टेड रह जाती है कुछ चीजें अनकरेक्टेड रह जाती है तो उनका जोड़कर हमारा मटिरियालिटी लेवल क्रॉस ना करे तो लैंग्वेज थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा इट इज सेट एट अ लेवल लोअर देन ओवरऑल मटिरटी तो मैंने क्लास में आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि चाचा जी बोले थे रुपीस के ऊपर अगर बिल आया ना मोबाइल बिल तो तुम्हारा चेकिंग होगा किससे बात करते हो तो तुम हमेशा सात आठ सौ के अंदर रखते थे चाचा जी ने बोला मैं छह सौ के ऊपर तुम्हारा सात सौ अस्सी आया मैं चेकिंग करूंगा चाचा जी आप नहीं कर सकते थाउजेंड था मेटेलिटी लेवल तो बात था, थाउजेंड होने से आप चेकिंग करेंगे पर चाचा जी बोले नहीं मैं कर सकता हूं मुझे लग रहा है कि तुम जान के 980 950 रखते हो ताकि मटेरियालिटी लेवल के ऊपर नहीं जाए और चेकिंग नहीं हो तो इसी तरह परफॉर्मेंस मटिरटी लेवल इज सेट एट देन मटीरियालिटी लेवल पहला लाइन मिला इट इज मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर ये पहले दो लाइन मिल गए इंग्लिश इट इज सेट टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल िटी को हम लोग लो लेवल पर रखते हैं पक्का एवरी वन वेरी गुड तो ये हमने सीखा था इसी क्लास में ये तीनों क्वेश्चन मटेरियलिटी के तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दिया अभी आपको तो मैं क्वेश्चन एड भी, भी करवा देता हूँ चलो चलिए वेरी गुड सो वी हैव अंडरस्टूड द फैक्टर्स फॉर डिटर्मिन मटेरियालिटी फैक्टर्स फॉर बेंच मार्क के आंसर्स को भी आप परफॉर्मेंस मटेरियालिटी के आंसर्स को भी हम लोग देख चुके हैं पक्का एवरी वन नाउ लुक हियर वेर आर माई क्वेश्चन पेपर्स, यस तो एक काम करें इसी में क्वेश्चन इलेवन एंड ट्वेल्व भी एड कर लेते हैं ताकि आप जब अपना रिविजन शीट मेंटेन करोगे तो अच्छा रहेगा एक ऐसा ही क्वेश्चन वॉट एम आई ऑडिबल या वॉट फैक्टर्स टू बी पूरा सेम लग रहा है क्वेश्चन पर आंसर अलग निकल रहा टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर ओके फॉर डिटर्मिन बेंच मार्क ये अलग हो जाता है तब ठीक है फॉर मटेरियलिटी लेवल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट्स सब चार चार मार्क्स के क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस मटीरियालिटी ओके सो दिस टू क्वेश्चंस आई हैव एडेड इन माय डिस्कशन ये दोनों क्वेश्चंस को भी मैंने इसी डिस्कशन में एड किया है Question number thirteen. I would like to add. Explain briefly, so that all the good questions are Components of internal control. Which Control environment and so many more things. Explain briefly the components of internal control. So, write this ओके तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग बेंचमार्क फॉर मटेरियलिटी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक्सप्लेन ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो हो सकता है कोई लोगों के ऑलरेडी तेरा क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हो या और भी ऐड कर दूंगा तो आइए एक बार मैं आपको ये कॉम्पोनेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला शो करता हूं कि कॉम्पोनेट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के आंसर्स को कैसे डेवलप करना चाहिए लुक हियर एवरीवन सबसे पहले ये देखो कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन टीसी ये आंसर में आना चाहिए था एटीट्यूड ऑफ टीसीडब्ल्यू जी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर

डिजाइनिंग प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग रेस्टोरेंट का खाना खराब है, रिस्क है उनका कस्टमर लॉस हो जाएगा बट ऑडिटर की जिम्मेदारी तो नहीं है ऑडिटर विल ओनली कंसिडर बिजनेस रिस्क रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोविड के दौरान पोस्ट पैंडेमिक बैड डेट्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो कितने सारे डेटर्स इंसॉल्वेंट होने वाले हैं क्या एस्टिमेट है कितने बड़े रिस्क हैं ये उनका प्रोबेबिलिटी क्या है कि बैड होगा होगा ही ये सब होता है है ऑडिटर ऑडिटर क्या इंटरनल खुद का रिस्क रिस्क प्रोसेस हम लोग इतने दिन पढ़ रहे थे कैरी करता बट सिग्निफिकेंसैसिंग द इम्पैक्ट लाइकलीहुड एंड वक्शन एंटिटीज टेकिंग टू मिटिगेट डोज रिस्क दैट इज पॉइंट नंबर डी तो कई बार क्या होता है आप अंडरलाइन किए थे पढ़े थे इस भूल गए पर मेरे इस रिकॉर्डिंग को सुनकर फिर याद आने लगेगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फिनेंशियल रिपोर्टिंग लैंग्वेज देखो इसमें हम देखते हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड या प्रोसेस होते हैं उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जर्नल एंट्रीज कैसा है तो सपोज मैं फ्लिपकार्ट uh, का ऑडिटर हूं तो मैं उनका देखूंगा कि उनका मोड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेल कैसा है कैश ऑन डिलीवरी वाले को कैसे अकाउंट करते हैं डिस्काउंट कैसा है कई बार कुछ कूपन्स के बेसिस पे डिस्काउंट मिलता है तो कहीं एक्सपायर्ड कूपन पे डिस्काउंट तो हमने नहीं दे दिया हु ऑथोराइज दैट डिस्काउंट का कूपन सो ऑल दीज पॉइंट्स आर सीन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि एंटिटी के सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं प्रोसीड्यूर्स बाई विच दे आर रिकॉर्ड प्रोसेस इंड ट्रांसफर एंट्रीज आर मेड जर्नल एंट्रीज में जर्नल लेजो में ट्रांसफर कैसे होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड नेक्स्ट कॉम्पोनेट वस कंट्रोल एक्टिविटीज जो आज आपने देखा था ऑथोराइजेशन फिजिकल वेरिफिकेशन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज नेक्स्ट एक कंपोनेंट है मॉनिटरिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट की वो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस क्या दरकार है कि तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर देखी थी तो वट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि अगर कोई पूछे कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो लुक हियर बोलते थे बिकॉज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज एम माइक्रा इंफॉर्मेशन सिस्टम माइक्रा कंट्रोल एनवायरमेंट माइक्रा रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट ये ऑडिटर का नहीं है एंड कंट्रोल एक्टिविटीज का ए तो दीज आर कॉम्पोन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पक्का एवरी वन तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर इन क्लासेस के अंदर रिवाइज कर रहे थे इन्नी क्लासेस में दो तीन चीजें मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा बताना भी चाहूंगा लुक यहां पर एक वर्ड आया है सिग्निफिकेंट रिस्क ये कुछ ऐसे इनहेरेंट रिस्क होते हैं कि बहुत बड़ा कोई मिस होने का चांसेस है ड्यू टू फ्रॉड और एरर तो ये रिस्क कब भर जाते हैं वेन ट्रांजेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपके यहां होते हैं तो रिस्क बेसिकली इनक्रीजेज ओके तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कब ग्रेटर हो जाते हैं फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन फॉर जजमेंटल मैटर्स लाइक एस्टिमेट्स में आप जजमेंट जब लेते हैं तब आपके मिसेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और पता टेक्निक्स होते हैं टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल इस पर दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार डेवलप हो जाते हैं लाइक चेकलिस्ट एंड क्वेश्चन चेकलिस्ट जो होता है वो ऑडिटर का टीम मेंबर्स उन क्वेश्चंस को आंसर करता है

फ्लोचार्ट में आप हर चीज को बहुत कॉन्साइज वे में समराइज वे में प्रेजेंट करते हैं बर्थ साइड दे है। उसी तरह एक चीज हम लोग सीखे थे study, को हम करते हैं, तो the entity, the कितना कॉम्प्लेक्स एंटिटी है क्या लॉ इसको एप्लीकेबल होता है ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देख रखा था नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जो रिस्क असेसमेंट होते हैं दे डू नॉट गिव एनी एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट हुआ है बिकॉज वी हैव जस्ट डन अ वॉक थ्रू ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें रिस्क असेसमेंट कंट्रोल से नहीं पता चलता ओके एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अ गुड कंट्रोल कंट्रोलमेंट का मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड अब होगा ही नहीं इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टू फ्रॉड कंट्रोल डेटरमेंट अच्छे होने के बाद भी फ्रॉड हो जाता है

बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहां पर किया था मैनुअल कंट्रोल्स प्रेफर किए जाते हैं ओवर आईटी कंट्रोल्स इन सम एरियाज मैनुअल कंट्रोल्स कब लेस रिलायबल होते हैं व्हेन हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डन मैनुअल कंट्रोल्स आर प्रेफर्ड ओवर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एंड जजमेंट जहां इन्वॉल्व होते हैं ठीक है स्टार्ट रीडिंग फुल पेज करता हूँ एक दो क्वेश्चन यहां पे अभी क्वेश्चन पेपर में भी एड करवा देता हूँ आई एल डू इट फॉर यू लिख लीजिए क्वेश्चन को कंट्रोल एनवायरनमेंट डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉड ट्रू है और रीजन आपको मैंने लाइंस बताया था ना अभी तो देखा था आपने मेरे इंस्टीट्यूट के मैट से वो लाइंस डाले गए थे मैनुअल कंट्रोल्स आर प्रेफर्ड ओवर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इन सम केसेस दोनों क्वेश्चन लिखिए तो ये टेस्ट पेपर डिस्कशन भी था विद इंसर्शन ऑफ सम मोर क्वेश्चन विच आई कुड हैिवन इन माई पेपर Do not fraud. Are over in some cases. तो दो दो मार्क्स के ये क्वेश्चन है तो यस बात सही है कि कभी कभी मैनुअल प्रेफर किए जाते हैं ओवर ऑटोमेटेड कंट्रोल इन सम लिखा हुआ था आंसर देखो लीगल जजमेंट वाले केसेस में मैनुअल कंट्रोल अनयूजल ट्रांजेक्शन में मैनुअल है प्रेफर किए जाते हैं ओके okay? तो अगर मैं शुरू से देखूं हाँ एक दो चीज और मैं यहां डेवलप कर सकता हूं वेयर पेपर हम्म ठीक है चलिए वो एक दूसरा पेपर अच्छा ही लो क्वेश्चन फिफ्टीन

ये सब हुआ था आप भूल चुके हैं लिखिए शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल जजमेंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिट प्रमाइसिस आर यू राइटिंग एवरीवन रिस्क असेसमेंट प्रोसीडुअर रिस्क असेसमेंट प्रोसीडुअर ये थ्री थ्री का कर लो ये चारों शॉर्ट नोट्स आपको कॉपी में maintain करना है। तो पूरा बुक नहीं लिखना है बट दीज थिंग्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस तो अगर मैं आपको दिखाऊं इन चारों के शॉर्ट नोट के आंसर्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कहां पर ये हम लोगों को नहीं पढ़ा था अगर आपको मैं फर्स्ट इनिशियल क्लासेस की ओर ले जाऊं जहां पर ये डेफिनेशन और ये सब कुछ अच्छे से दिए गए थे याद आ गया लुक हियर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड पेज नंबर 15 था शायद क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंसिस एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन वैन सस्पेशनराइज एडवांटेज क्या होता है इसका it reduces the risk of overlooking unusual ignoring unusual circumstances it reduces risk of using inappropriate assumptions in nature timing and extent of audit procedure it helps in collecting sufficient appropriate audit evidence and last conclusion auditor should maintain professional skepticism throughout the audit examples batao सम वाउचर मिसिंग इसके ओवर राइटिंग ऑन वाउचर्सनेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन नॉट मैचिंग पूछे प्रोफेशनल स्केटिट्यूड क्वेश्चनिंग क्रिटिकल असमेंट ऑफ एविडेंस यहां तक लिखोगे इट रिड्यूसेस क्या एडवांटेज है रिस्क ऑफ ओवर लुकिंग अनयूज सर्कमस्टांसिस रिस्क ऑफ यूजिंग इनअप्रोप्रिएट एक्सामशन इन डिटर्मिंग इट हेल्पस इन कलेक्टिंग सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ऑडि थ्रू आउट चाहिए, ओके okay. उसी तरह अगर कोई पूछे प्रोफेशनल जजमेंट क्या है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कहा गया देखो अगर कोई पूछे प्रोफेशनल जजमेंट क्या है तो प्रोफेशनल जजमेंट का आंसर यहां पे लिखा हुआ था नीचे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्लानिंग दी ऑडिट प्लान करने के समय एंड परफॉर्मेंस के समय प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा ऑडिटर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट तो मैं याद करवा रहा हूं इस टेस्ट uh, डिस्कशन या क्लास वर्क बोल लो जो भी ओके एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट एथिकल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड टेकन बाई ऑडिटर रेलिवेंट टू द यूजली मटीरियालिटी लेवल सैम्पलिंग साइज ये सब के समय यादर एस ए मतलब इसमें भी use होता है तो वापस मेरे संग संग याद करो प्रोफेशनल जजमेंट का लैंग्वेज देखो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्लानिंग परफॉर्मिंग ऑडिट क्रॉस एग्जाम सॉरी एप्लीकेशन ऑफ एथिकल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टेकन बाय ड्यूरिंग ऑडिट और ये कहां, कहां use होता है यह भी आपने देखा है रिस्क असैसमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था आप लोगों को यहाँ पर हमने देखा था क्या क्या चीज आप रैप के समय करते हैं रैप में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं दे डू नॉट प्रोवाइड एज एनी एविडेंस दे ओनली प्रोवाइड एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट तो जो जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं चेक कर लीजिए आपके आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है दिस मोस्ट ऑफ़ योर आंसर्स और इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और रिविजन भी रिकॉर्ड करूंगा पर आज आपको ये देख करके पुराने मार्किंग्स को टर्न कर करके पढ़ के आना है तो इफ आई सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ऐसे 300, 315, 320 डिस्कस किया है थैंक यू सो मच बाय